आज वात्सल्य के बच्चों से कुछ टॉक हो रही थी। सवाल पूछा था उन्होंने कि टीम कैसे बनाए। हम जब भी कोई किसी टीम बनाते हैं तो एक बिल्कुल क्लियर पर्पस होना चाहिए। हमारा गोल क्या है इस टीम का? क्या कौन मेंबर होंगे, कौन मोटा मोटा लीड करेगा, क्या एक्सपेक्टेशन है इस ग्रुप की, इस टीम से? और जो मेन सूत्रा होते हैं कोई टीम काम करेगी कि नहीं काम करेगी, कम्युनिकेशन सब मेंबर्स में होना चाहिए एंड दे शुड बी एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि हर मेंबर कंट्रीब्यूट करता है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर अधिकार है कम्युनिकेट करने का। सो क्लियर हुआ कि गोल्स क्या है, टीम का लीडर कौन है, कम्युनिकेशन, एक्सपेक्टेशंस और फिर मिलकर काम करना है। हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी होती है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, ये सब हमारे रिसोर्सेस हैं। ये हो गया आपका काम, अपने मेंबर्स को समय समय पे अप्रिशिएट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वी हैव टू बी रिलायबल ट्रस्टवर्दी मेंबर्स। जो ट्रस्टवर्दी मेंबर्स नहीं वो अलग ही दिखाई देते हैं। सो ये सब चीजें हैं जिसमें कि हमको काम करना है एक साथ को और अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, एक दूसरे से सीखना है और तब हम काम करते हैं। टीम का व्यक्ति वो मतलब है कि पांच आदमी नहीं, पांच आदमी 25 को जानता है, तो इसका पोटेंशियल है 5 × 25। ये इसका पोटेंशियल है, आप पांच आदमी नहीं हो, आप 125 आदमी। तो ये है टीम बनाना और टीम पर काम करना।